आज भगवान महावीर प्रणीत अपरिग्रह का सिद्धांत एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। अपरिग्रह का सिद्धांत सबने सुना हुआ है। अपरिग्रह माने क्या? वस्तुओं की मर्यादा करना, परिग्रह परिमाण, वस्तुओं को कम करना, उनके प्रति आसक्ति नहीं रखना, यह अपरिग्रह ऐसे समझते हैं। लेकिन सत्पुरुषों हमको एक नई दृष्टि देते हैं अपरिग्रह के लिए। अपरिग्रह सिर्फ वस्तु तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वो तो ठीक ही है, वस्तु कम करना और उसकी आसक्ति भी कम करना, वो तो ठीक है। सत्पुरुषों कहते हैं कि विचार का भी अपरिग्रह होना चाहिए। यह समझने के लिए मैं दो शक्तियों की बात करूंगा। आत्मा में दो शक्ति है, स्मरण शक्ति और दर्शन शक्ति। स्मरण शक्ति जिससे हम पुराना याद कर सकते हैं उसको बोलते हैं स्मरण शक्ति, और दर्शन शक्ति माने जो वर्तमान में है वो हम देख सकते हैं, जैसा है वैसा मन में रजिस्टर कर सकते हैं, वह है दर्शन शक्ति। स्मरण शक्ति न हो तो आप कल इधर नहीं आ सकेंगे, आप रास्ता भूल जाएंगे। तो स्मरण शक्ति न हो तो व्यवहार कैसे चलेगा, ऑफिस कैसे जाएंगे, घर वापस कैसे लौटेंगे? तो स्मरण शक्ति की जरूर है एक व्यावहारिक जीवन जीने के लिए। लेकिन जब यह स्मरण शक्ति इतनी हावी हो जाती है कि हम वर्तमान को देख नहीं सकते, सीधा भूतकाल आ जाता है, माने ओपिनियन मैंने बांध लिया हो तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उनको देखूं, सो आई एम नॉट सीइंग हिम, आई एम सीइंग माय ओपिनियन, दर्शन शक्ति कुंठित हो जाती है। और इसीलिए हमारी दर्शन शक्ति कुंठित हो जाने के कारण हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते, सिर्फ व्यवहारिक जीवन जीते हैं, राग द्वेष करते हैं, बस आत्मशुद्धि आत्म कल्याण हो नहीं सकता। सी वी हैव परिग्रह ऑफ ओपिनियंस फॉर अदर पीपल, ओपिनियंस, एवरी एक्सपीरियंस विथ समवन एंड वी बिल्ड एन ओपिनियन, और वो ओपिनियन का संग्रह करके, परिग्रह करके, वी कैन नॉट इवन रजिस्टर द चेंज इन समवन एल्स। सी समवन टोल्ड मी व्हेन आई केम यस्टरडे, पापा आप बहुत डुबले हो गए। मैं तो थैंक यू, आपकी दर्शन शक्ति अच्छी है। सिर्फ स्मरण शक्ति होती तो 2015 के बापा जी याद रहते हैं। बट यू आर सीइंग द चेंज विच इज हैपनिंग इन माई बॉडी जस्ट नाउ। इन द सेम वे पीपल चेंज, रूपांतरण आता है शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, एंड वी शुड बी एबल टू कैप्चर दैट चेंज एंड नॉट जस्ट स्टिक टू आवर ओपिनियंस। हम सत का परिग्रह नहीं करते हैं, हम मत का परिग्रह करते हैं। ऐसे समझो कि आज फोटो लिया और ये फोटो आपने मन्नी एल्बम में फिट कर दी दो। हवे पहलो चेंज थयो छे, ब्लैक हेयर में से व्हाइट हेयर हो गया, लेकिन यू विल नॉट मेक एनी चेंजेस इन योर फोटोग्राफ। ऐसे ही ओपिनियंस बना के, आइडियाज, पूर्व ग्रह जिसको बोलते हैं, और हम अपनी मन की एल्बम में संग्रह कर लेते हैं, उधर हम अपरिग्रह नहीं करते, परिग्रह कर देते हैं और कायम की जन्म टिप की सजा दे देते हैं किसी को भी, ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत कंजूस है। हमारे समय में हिंदी पिक्चर में, बॉलीवुड में विलन था अमजद खान, हम उसको गबर सिंह बुलाते थे। तो एवरी फिल्म में वह खलनायक का ही रोल करता था, तो अपना मन भी थोड़ा फिक्स हो जाता है कि जैसे ही अमजद खान की एंट्री हो तो कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि वी हैव लेबल्ड हिम एज विलन। एक हिंदी मूवी में ही वॉज इन अ गुड रोल,
But the audience did not believe it. Till the end, till the last 5 minutes of the movie, they felt ke abhi kuch karega, abhi kuch gadbad karega. Aur movie finish hone ke baad sab confused ho gaye. Why? Kyunki ye villain ki jo chabi, jo photo man ki album mein tha, aise hi saans ke prati, bade bhai ke prati, etc., etc. Hum opinions maante hain, labeling karte hain, pehle to judgment dete hain, jaise hum judge hain. Apni bhool ho jaye to hum lawyer ban jate hain. Dusre ki bhool ho to hum judge ban jate hain. Seedha judgment pass kar deta hai. Bahut kharab. Judgment pass kar dete hain. Aur ye judgment ka parigrah karte hain. Aur parigrah karke man mein rakhte hain, smaran shakti mein rakhte hain. जब भी उनका नाम उच्चार हो, उल्लेख हो और मिलने का प्रसंग हो, तो पहला ये मेरा बचपन का दोस्त है, बड़ा बदमाश था, है नहीं, लेकिन दर्शन शक्ति रजिस्टर नहीं कर रही है कि अब सब बदल गया है. तो बदल गया है तो मुझे अनुमोदना भी करनी चाहिए. तब निंदा की थी, अब अनुमोदना की करनी चाहिए. लेकिन हमारा मन इतना मजबूत, इतना परिग्रही हो गए, वस्तु का परिग्रह के प्रति हम सजा गए, लेकिन विचार के परिग्रह प्रति न थी. इसलिए राग द्वेष निरंतर, राग द्वेष ना हो तो संकल्प विकल्प तो निरंतर चलते रहता है. इफ आई एम इन रायपुर एंड इफ आई स्टार्ट एट रेड एंड स्टॉप एट ग्रीन, एम आई डूइंग द राइट थिंग? He's saying, no, actually I was having a watermelon. So I started at red or stopped at green. But he's saying we should eat the green thing and not have the red thing. What did you say? But did I say anything? Did I say I was driving? Did I say I'm talking of the signals? No. See, we don't enter the other person's world. Dusre ke jagat mein pravesh hi nahi karte hain. हमारे अंदर, आप मुझे सुन रहे हैं अभी, लेकिन अंदर एक फिल्म भी चलती है. और सो वी आर नॉट टोटली कनेक्टेड टू एनीवन. वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दैट पर्सन डिड दैट वे, व्हाट वाज हिज थिंकिंग, व्हाट वाज हिज इंटेंशन. और आप पर जजमेंट दे देते हैं. एक छोटी सी बच्ची थी, उसके हाथ में दो एप्पल्स थे और वो जा रही थी. हर मदर कम्स एंड आस्क्स, baby, can you give me one apple? She wanted to develop qualities of sharing and caring in her. She didn't want an apple. Save nahi chahiye tha. And the moment she said, will you give me one? Choti si ladki ne ek apple mein ekko bite kiya. Phir dusra apple ko bhi bite kiya. And the mother was very angry. Ke do do apple hai, maine ek manga. So why can't she share? Why can't she just give? Why is she eating both the apples? So she was about to react. Itne mein hi wo choti ladki ne bola, mom, this is the sweet, sweet one. Why don't you take this? Hamare mein itna dhairya hi nahi hai. We react so fast. Purvagrah, preconceived notions. पूर्व से ही ग्रहित किया हुआ, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पूर्व की जो अनुभूति और उसके पे उसका जो कंक्लूजन और उस पर जो जजमेंट, उस पर जो ओपिनियन, उसका परिग्रह कर लिया है. तो ज्ञानी बोलते हैं अपरिग्रह, सुख का भी अपरिग्रह और दुख का भी अपरिग्रह. यह क्या बात हुई? सुख का परिग्रह माने कुछ प्रसंग हुआ, आपको सुख की अनुभूति हुई, आपको अच्छा लगा, यू आर हैप्पी इन दैट सिचुएशन. अभी आप क्या करेंगे? यह सुख का परिग्रह कर लेंगे, ऐसा ही चाहिए नेक्स्ट टाइम. तो मेरी एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन निरंतर चलती रहेगी. अरे आज सुख लगा, बस मानो, जस्ट एंजॉय योर प्रेजेंट मोमेंट एंड फॉरगेट इट. अदरवाइज यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग. Not only expectation, sirf apeksha nahi, sirf aasha nahi, comparison bhi hogi.
और ये दोनों से संकल्प विकल्प पैदा होगा और संकल्प विकल्प के साथ साथ राग द्वेष सेम दुख का परिग्रह। हम लोग दुख का भी परिग्रह करते हैं, मान कोई दुखद घटना हुई, दुखी संवेदना हुई, ठीक है दुखी भी हो गए पर रात गई बात गई, ऐसा नहीं होता, हम उसका परिग्रह करते हैं, विचार करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, भय में रहते हैं कि वो रिपीट ना हो, दुख का परिग्रह। हम भूतकाल को भूत की तरह चिपके रहते हैं। केटला लोगों नु तो बोलवानु ज अपने लागे के अवशेष टूर है, रुइंस टूर है। रुइंस टूर मालूम, इजिप्ट या ग्रीस या टर्की आप जाते हैं तो वो उसको बोलते हैं रुइंस टूर। उधर कोई स्काई स्क्रेपर नहीं देखना है, पैलेसेस नहीं देखना है, सिर्फ रुइंस को देखना होता है। तो केटलाक ना जीवन में बस दुख दुख दुख, तुम्हें 10 मिनट एनी साथे बेसो, इसके कारण ये हो गया, ये क्लाइमेटिक है, ये भाई नो आती हूँ आनो आती हूँ, रोदना रोदना, रड़ियाज करे रड़ियाज करे रड़ियाज करे, रुइंस टूर। माने के एक हरती फरती शोक सभा, एक स्त्री थी, अने एक एक जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत सुंदर थी, माने एवरीथिंग गुड इज इन द पास्ट। जिसका प्रेजेंट अच्छा ना हो वही व्यक्ति पास्ट की बात करते रहेगा, जिसका प्रेजेंट पावरफुल हो उसको पास में जाने की कोई जरूरी नहीं, सिर्फ वो कंपैरिजन करना हो कि पास से हमारा प्रेजेंट कितना अच्छा हो। तो जब हम ड्राइविंग करते हैं तो बीच बीच में हम पीछे भी देख लेते हैं ना, पीछे का मिरर में भी देख लेते हैं ना, रेयर मिरर में भी उसमें थोड़ा थोड़ा ग्लांस कर देते हैं, सिर्फ उधर ही देखता नहीं रहते, देखना पड़ता है आगे, थोड़ा प्रेजेंट को एंथुजियाज्म देने के लिए पास्ट में रिफर करे तो ठीक है, लेकिन सिर्फ पास्ट में रहते तो ये दुख का भी परिग्रह। और दुख का परिग्रह से क्या होता है, यू होल्ड ऑन टू योर पास्ट। एक डाल पे एक पक्षी था और पक्षी ने वो ब्रांच पकड़ के रखी, इसी में किसने वो वृक्ष को हिलाया, डाली भी हिलने लगी, तो वो पक्षी को क्या करना चाहिए, पंख निकल कर उठ जाना चाहिए, सिंपल। इसके बदले उसने क्या किया, वो ब्रांच को और टाइट पकड़ के रखा, और जितना टाइट पकड़ के रखते हैं इतना डिस्टर्ब होता है। हम पास्ट को छोड़ नहीं सकते, लेट गो नहीं कर सकते, पकड़ के रखते हैं। दो जैनेतर साधु थे और जा रहे थे, एक वृद्ध था एक युवान था, एक सरोवर के किनारे जा रहे थे और एक महिला पानी में गिरी, उसको स्विमिंग नहीं आता था, चिल्ला रही थी मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो वृद्ध साधु था, उसने बताया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, हम जल को स्पर्श नहीं कर सकते, हम स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते, जो होना हो होगा। लेकिन वो युवान साधु बोला कि ये सब व्रत मेरी आत्मा की रक्षा के लिए, अभी ये आपत्ति में ये आपद धर्म में मुझे मानवता को प्रधानता देनी चाहिए। तो उसने जंप किया सरोवर में और वो महिला को बचाया, सरोवर ना किनारे आवे छे अने महिला ने त्या मुके छे, ए जीवित छे एम बराबर नक्की थयू, एटले ए साधु निकली। जब दोनों साधु पहुँचे मठ में पहुँचे और शाम का समय वो प्रार्थना का समय, तो वो छोटा साधु बड़े साधु को पूछता है कि आप प्रार्थना में नहीं आएंगे, मैं जा रहा हूँ आप आएंगे? पर ये वृद्ध साधु तो इतना बड़ा गुस्सा में था कि आ तो भ्रष्ट थई गयो छे, जल नो स्पर्श स्त्री नो स्पर्श, एटले कीधु हवे तू तो पतित छो तू तो भ्रष्ट छो, तारे हवे प्रार्थना करवानी शू जरूर छे। એટલે પેલા સાધુએ કીધું કે મેં શું કર્યું, પેલું કે શું કર્યું, સવાના આટલું મોટું પાપ કર્યું અને પૂછે છે શું કર્યું, તો કે મેં શું પાપ કર્યું, તો કે પેલી સ્ત્રીને તે ઉઠાવીને તે સ્પર્શ કર્યો, તારા પીઠ ઉપર ઉઠાવીને કિનારે લાવ્યો, તો કે હું તો એને પીઠ પર ઉપાડ્યું, તમે તો એને મન પર ઉપાડી, અને મેં તો કિનારા પર છોડી દીધી, તમે તો અહીંયા મઠમાં લઈ આવ્યા એને। See, we are holding on to the past. Ek hi prasang chewing gum ki jaise, we go on thinking, 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 chewing, 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 chewing.
जब एक जोक क्रैक होता है तो तमने एक बार हंसू आवे, ए सेम जोक पाछो रिपीट करे तरत बे मिनिट में तमने ओछू हंसू आवे, त्रीजी वार रिपीट करे तमने हंसू ज ना आवे। बराबर छे? माने सुख आपनारो ए जोक एक वार तमने सुख आपी सके, ओनली वंस। लेकिन एक ही घटना बार बार आप स्मृति पट पे लाके दुखी हो सकते। क्यों? एक बार उसने आपको दुखी किया, नेक्स्ट 9 times किसने आपको दुखी किया? खुद ने। क्यों? क्योंकि दुख का परिग्रह किया हुआ है। समझो हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग हो और सीडी लगाने पर हैप्पी बर्थडे हैप्पी 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 एक ही शब्द पुनः पुनः आए तो आप क्या बोलेंगे? ये सीडी बिगड़ गई है। और आप एक ही प्रसंग को बार 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 याद करते आप बिगड़ गए, सीढ़ी बिगड़ गए, आप बिगड़ गए। एक बार कुछ आया मन में, उसका प्रतिक्रमण कर लो एंड फॉरगेट इट। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण कर लो, इसमें मेरा क्या दोष हुआ है, जस्ट पिक योर लेसन एंड प्रत्याख्यान लीजिए। नाउ गॉन मिच्छामि दुक्कड़म, क्लोज ऑल द अकाउंट्स, फाइल क्लोज। इतना सरल नहीं है, इसके लिए अहंकार टूटना चाहिए, मोह छूटना चाहिए, तो हो सकता है। तो वी होल्ड ऑन टू द पास्ट एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। अपरिग्रह, अपरिग्रह, प्रसंग का अपरिग्रह, विचार का अपरिग्रह, ओपिनियंस और जजमेंट का अपरिग्रह। सीजन्स आती है तो गर्मीनी सीजन आवे, वेलकम। गर्मीनी सीजन जाए, गुड बाय। ठंडीनी सीजन आवे, वेलकम। ठंडीनी सीजन जाए, गुड बाय। आप पकड़ सकते हैं क्या? प्रसंगो तो आवसे ने जावसे, तमे ने पकड़ी नहीं सको। कोई शीरानी सुगंध आती हो, स्वामी वात्सल्य हो और उसमें से बादाम का शीरा हो तो एनी सुगंध आवे, कैन यू होल्ड इट? आती है, एंजॉय द फ्रेग्रेंस और जाती है, जाने दो। Be happy in both situations. Be happy. Accept it. अमुक महिला हुए वो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए प्रैक्टिस कर रही थी और ग्रैंड ड्रेस रिहर्सल था, ग्रैंड रिहर्सल था, तो स्टेज पर आके सब प्रैक्टिस कर रही थी महिलाएं, और ये बैकड्रॉप और वो सब वो भी लगाना था, तो सब कारपेंटर्स वगैरह भी आए थे, सुथार भी आएंगे आए हुए थे, और उसमें ठाक 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 नेलिंग कर रहे थे, तो वो डिस्टर्ब हो रहा था वो महिलाओं को डांस में। तो एक महिला अमुक 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 महिला एकदम गट्स वाली हो ने पाछी, एकदम गुस्सा माने गुस्सा में सुथार पासे जाए छे कि बस आप आवाज मत कीजिए। हजी तो कई बोले छे एनी पहला पेलो कारपेंटर बोले छे, आप कर सकते हैं आपका डांस, तमे जे आवाज करो छो, म्यूजिक प्ले करो छो, एनाथी अमने काई डिस्टर्ब नथी, तो तमे कर्या करो जे करो। पहली बोली अभी ना पाछी आवी गई, से व्हाई आर यू गेटिंग सो डिस्टर्ब बाय समवन एल्सेस प्रेजेंस, समवन एल्सेस वर्ड्स, समवन एल्सेस एक्शंस? व्हाई, व्हाई आर यू होल्डिंग ऑन टू योर आइडियाज, टू योर कॉन्सेप्ट्स, लाइक्स डिसलाइक्स, स्वच्छंद मत आग्रह क्यों पकड़ के रखते? जितना पकड़ोगे उतना अच्छा हुआ बुरा है हुआ ऐसा संकल्प विकल्प होगा। चॉइस लेस बनना है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, अपरिग्रही बनना है, चॉइस लेस बनो। रेडियो ऑन करते हैं तो जो जे सॉन्ग आवे वी स्टार्ट सिंगिंग। 1972 नु भी हो अने 2017 नु भी हो, परंतु रेडियो नी बदले त्या सीडी प्लेयर हो, कितनी चॉइसेस आएगी, ये रखना ये मत रखना, ये भजन वाली सीडी अच्छी है, तो छोटा बच्चा बोलेगा भजन भजन नहीं सुनना है, कोई बॉलीवुड का रखिए। कितनी चॉइसेस आएंगी और कितनी कॉन्फ्लिक्ट आएंगी। लेकिन रेडियो प्लेयर हो अपनी चॉइस का भी नहीं आना, वी डोंट नो विच सॉन्ग इज गोइंग टू कम, बट वी स्टार्ट सिंगिंग, वी स्टार्ट एंजॉइंग। तो कर्मणा उदयति जे जे जो भी हुए, व्हाई डोंट यू जस्ट सिंग?
आप लोग वो अंताक्षरी वगैरह खेलते हैं क्या? कैसे खेलना मुझे बताइए। एक व्यक्ति स्टार्ट करे छे डा 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 क, एटला आ लोको बोलशे कभी कभी मेरे दिल में वगैरह वगैरह, पची बोलशे प, समझो प, तो आप ऐसी फाइट करेगी हमको प नहीं चाहिए हमको ब चाहिए, तो सीधा सॉन्ग स्टार्ट हो गया। लाइफ जस्ट गोज ऑन, जस्ट स्टार्ट सिंगिंग, डोंट डिमांड, डोंट रिक्वेस्ट, डोंट कंप्लेन, जस्ट बिगिन एंड एंजॉय। क्या पहला समृद्धि थी तो समृद्धि, हाँ थोड़ी टफ सिचुएशन है तो टफ सिचुएशन में प से गाइए आज, और कल वापिस अच्छा हो जाएगा तो म से गाना, उसमें क्या, दिस इज लाइफ। आपको मैं एक आइसक्रीम दू कोन, और आप, आपको क्या करना चाहिए, हाँ लिख करना चाहिए, खा लेना चाहिए, लेकिन आप पकड़ के पास्ट में जाती है, फ्यूचर में जाती है, पूरा कोन मेल्ट हो गया, मैस अप कर दिया। यू हैव टू स्टार्ट लिकिंग लाइफ एवरी डे, स्टार्ट ईटिंग। आइसक्रीम तो मेल्ट हो जाएगा, फिर यूजलेस, फिर मिल्कशेक हो जाएगा, आइसक्रीम का पैसा और मिल्कशेक मिलेगा। व्हाई डोंट यू जस्ट एंजॉय, एंजॉय योर प्रेजेंट मोमेंट। सुखद दुखद ये सब मन की कल्पना है। हम 1999 में 100 पीपल हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, और ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाना था, तो 6 बजे की सुबह की हमारी फ्लाइट थी, 6 बजे, कंट्री चेंज करना है, 2 घंटे पहले जाना पड़ता है, 4 o'clock। हम जहाँ रुके थे सिडनी में, उधर से 1 घंटे की एयरपोर्ट, 1 घंटा, कितने बजे निकलना, 3 बजे, तो 2 बजे उठना, स्नान करना, पूजा पाठ करके 3 बजे निकलना था। हमने पूछ के निकले कि फ्लाइट इज़ ऑन टाइम, फ्लाइट इज़ ऑन टाइम, ओके, तो निकले, 1 घंटा ट्रैवल किया, 4 बजे एयरपोर्ट पहुँचे, और 4:15 को हमको बोला कि फ्लाइट इज 5 hours। नाउ जस्ट इमेजिन, एक तो सुबह 2 बजे सब उठे थे, माने कितने इरिटेशन लेवल्स कितने हाई थे, हाँ, और 5 hours फ्लाइट लेट। अभी इंडिया होता तो समझ में आता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी तो बधा जे मोटा होता, ए लोको नो आर्त ध्यान करते थे, अरे पहला खबर हो तो शांति थी, सूते आ करते बधु करते। मारी साथे थोड़ा नाना छोकरा हुआ था, तो मुझे तो एक सीट पे बिठाया रखा था, तो बधा बच्चा मारी साथे हता, अने ए लोको ने खबर पड़ी कि द फ्लाइट इज 5 hours, इट्स डिलेड बाय 5 hours। दे वर सो हैप्पी, एस्केलेटर पे ऊपर चढ़ते थे, फिर नीचे आते थे, फिर ऊपर जाते थे, फिर देवर प्लेइंग, देवर एंजॉइंग। और मने मने विचार आवे, बालक होते तो कितना अच्छा होता। देर इज नथिंग लाइक प्रॉब्लम इन लाइफ, यू हैव टू एंजॉय एवरी सिचुएशन, एवरी सिचुएशन यू आर एंजॉइंग। डिले हो गया तो एयरपोर्ट को खिलौना बना दिया, खेलने लगे, आनंदित ही रहे, और बड़े बहुत बुद्धिशाली दुखी दुखी हो गए। हम हमारी बुद्धि का उपयोग दुख मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं कि शांति और सुख मैन्युफैक्चरिंग के लिए करना चाहिए क्या? यहाँ पर गजरा, गजरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गजरा कहते हैं, तो महेंद्र जी बोलेंगे गजरा वृक्ष पे उगता है या छोड़ पे? छोड़ पे। गजरा किसी पे भी नहीं उगता है, मोगरा उगता है, गजरा तो हाथ में बनाना पड़ता है, ठीक है ना। सुख भी अपने को मैन्युफैक्चर करना है, स्पिरिचुअल थॉट्स, आध्यात्मिक चिंतन मनन से, वो सात्विक अंतकरण से अपने को मैन्युफैक्चर करना है, और वह शक्य है अपरिग्रह की साधना करने से। सब जीव भगवान महावीर प्रणीत अपरिग्रहना सिद्धांत ने सूक्ष्मताती समझी અને આત્મામાં સ્થિર થઈ અનંત આનંદ પ્રાપ્ત કરે એ મંગલ ભાવના।